चिराग पासवान जी की सोच, उनका नजरिया सभी बिहारियों को एक समान दृष्टि से देखने का, उनका जो नजरिया है बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट, जात पात की सीमाओं को तोड़ करके धर्म मजहब से ऊपर उठकर सभी बिहारियों की बात मजबूती से करते हैं, और यही कारण है कि मैं उनके नेतृत्व के प्रति आकृष्ट हुआ हूँ। मैं सिर्फ एक भूमिहार के नाते इस पार्टी में नहीं आया हूँ, आप मेरी पृष्ठभूमि की जाँच कर लें। मैं सभी वर्गों के लिए काम करता रहा हूँ और मेरा जो उद्देश्य है, उद्देश्य यही है कि बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट, उसके अंदर समावेश हर जाति का है, हर धर्म का है। मैं तो एक अदना सा सिपाही हूँ, आज से अनुशासित सिपाही हो गया चिराग जी का। मैं प्रयास करूंगा, अकेला चना तो भाड़ फोड़ नहीं सकता था, लेकिन आज ये मंच मुझे मिल रहा है, जो आलाकमान का आदेश होगा उसके हिसाब से काम करूंगा और प्रयास करूंगा सकारात्मक बदलाव और परिवर्तन इस प्रांत में आए। देखिए, लोकसभा चुनाव जो है वो नजदीक है, ऐसे में सभी पार्टियां जो है लगातार तैयारी कर रही है। वहीं पे चिराग पासवान की जो पार्टी है वो भी तैयारी कर रही है, लेकिन बता दें कि डॉक्टर अभिषेक सिंह जो है वो आज चिराग पासवान के दामन थामे हैं। रविंद्र भवन में उनका प्रोग्राम था, यानी मिलन समारोह था, उसमें कई बहुत सारे कार्यकर्ताओं के साथ जो वो पहुंचे थे। उनसे जब पूछा गया कि आप जो है डॉक्टर, यानी वो पेशे से डॉक्टर है, आपको राजनीतिक में ही क्यों ना, कहे कि सब लोगों को जो है वो राजनीतिक में आना चाहिए, उसको लेकर के उन्होंने बातों को रखा। और जिस तरह से बातें चल रही है कि क्या चिराग पासवान जो है वो नरेंद्र मोदी के सिपाही हनुमान है, उसको लेकर के इन्होंने साफ तौर पर बताया कि हम जो है चिराग पासवान के हनुमान है। और साफ तौर पे उनका कहना है कि चिराग पासवान के हाथ को मजबूत करने के लिए आए हैं। उन्होंने साफ तौर पर रविंद्र भवन में जिस तरह से काफिला उनका पहुंचता है, उनके समर्थक जो है वो पहुंचते हैं, हुजूम जो है वो देखने को मिलता है, और वो जब बोलते हैं तो कहे कि इसमें जो है हम चिराग पासवान के हनुमान बनने के लिए आए हैं, हमको जो नेतृत्व, यानी जो नेतृत्व मिलेगा, हमें जो करने के लिए मिलेगा वो हम काम करेंगे। और साथ ही साथ उनका साफ तौर पे कहना है कि सभी लोग को राजनीतिक में आना चाहिए, वो पेशे से ऐसे में डॉक्टर हैं। और साफ तौर पे जो डॉक्टर अभिषेक हैं वो आज पहुंचे हुए थे और रविंद्र भवन का मिलन समारोह था, वह मौके पर चिराग पासवान जो है वो भी पहुंचे हुए थे। तमाम बात की जानकारी देते हुए क्या कुछ कह रहे हैं डॉक्टर अभिषेक, सुनिए इस वीडियो में। चिराग पासवान जी की सोच, उनका नजरिया सभी बिहारियों को एक समान दृष्टि से देखने का, उनका जो नजरिया है बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट, जात पात की सीमाओं को तोड़ करके धर्म मजहब से ऊपर उठकर सभी बिहारियों की बात मजबूती से करते हैं, और यही कारण है कि मैं उनके नेतृत्व के प्रति आकृष्ट हुआ हूँ और उनके नेतृत्व और उनके झंडे तले काम करने का मैंने निर्णय लिया है। सर, क्या बात है कि चिराग पासवान की पार्टी में भूमिहार बहुत ज्यादा मात्रा में आ रहे हैं? मैं सिर्फ एक भूमिहार के नाते इस पार्टी में नहीं आया हूं, आप मेरी पृष्ठभूमि की जांच कर लें। मैं सभी वर्गों के लिए काम करता रहा हूं और मेरा जो उद्देश्य है, उद्देश्य यही है कि बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट, उसके अंदर समावेश हर जाति का है, हर धर्म का है। हर किसी को राजनीति में आना चाहिए जिसके अंदर समाज के लिए ईमानदारी से काम करने की इच्छा हो, सिर्फ इसलिए कि वो डॉक्टर है या इंजीनियर है इसमें ना आए, ये कोई अच्छा संकेत नहीं है समाज के लिए। अच्छे लोगों को, सबों को आना चाहिए। आपके आने से क्या बदलाव हो सकता है? मैं तो एक अदना सा सिपाही हूँ, आज से अनुशासित सिपाही हो गया चिराग जी का। मैं प्रयास करूंगा, अकेला चना तो भाड़ फोड़ नहीं सकता था, लेकिन आज ये मंच मुझे मिल रहा है, जो आलाकमान का आदेश होगा उसके हिसाब से काम करूंगा और प्रयास करूंगा सकारात्मक बदलाव और परिवर्तन इस प्रांत में आए।